तो बच्चों, ये जो पेपर है बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र है 2023 का, और यह है सेट बी। समय 3 घंटे और पूर्णांक यहाँ पर 75 नंबर का ही रहेगा। जो सामान्य निर्देश किसी पेपर में होते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और जितने भी यहाँ पर निर्देश हैं आपने ज़रूर पढ़ें। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 8 विकल्प चुनने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर का जो विकल्प है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe, ये जो दी गई समीकरण है, अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की है? संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन या विस्थापन अभिक्रिया? तो आइए देखते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है। तो बच्चों, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि Al ने यहाँ पर Fe को विस्थापित कर दिया है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो हम यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया को सही मानेंगे, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव है? तो यहाँ पर इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है और वो द्रवीय अवस्था में पाई जाती है। तीसरा यहाँ पर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिनेप्स। सिनेप्स पर आप सही निशान लगाएंगे। अगला है, यहाँ पर बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है राइजोपस में। राइजोपस इसका सही आंसर होगा। राइजोपस के अंदर बीजाणु द्वारा प्रजनन अभिक्रिया होती है। आगे बढ़े हम तो यहाँ 5वां है विकल्प, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है गुणसूत्रों के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु स्थित कहाँ होनी चाहिए? तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला लेंस है उसका क्या नाम होगा? तो यहाँ पर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साधारण लेंस और बेलनाकार लेंस है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, यानी इसका जो उत्तर होगा वो होगा, हम उत्तल लेंस पे इसका सही निशान लगाएंगे, यानी इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो हम सब जानते हैं प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं, यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। ये सही विकल्प यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगला है, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो स्तंभ अ और स्तंभ ब यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्तंभ में है सभी धातु हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होती है विद्युत की चालक, यानी ये पहला नंबर, इसका पहले नंबर का डी वाला विद्युत की चालक धातु सही होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क की इकाई। तो वृक्क की इकाई यहाँ पर नेफ्रान होगी। तीसरा प्रश्न है, परिधि तंत्रिका तंत्र। तो इसके लिए आप उत्तर लगाएंगे कपाल तंत्रिका तंत्र तथा मेरुरज्जु। चौथा है, पर परागण किसके द्वारा होता है? तो वो होगा यहाँ पर कीटों के द्वारा। कीटों के द्वारा पर परागण होता है पौधों के अंदर। डीएनए के लिए आप सही निशान लगाएंगे, आनुवंशिकी पदार्थ होता है डीएनए एक प्रकार का। उत्तल लेंस के लिए आप लगाएंगे बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला, ये आंसर इसका सही होगा। उसके बाद प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष प्राकृतिक रूप से वर्ण विक्षेपण करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये है फेराडे ने इसकी खोज करी थी। सही आंसर होगा फेराडे। तो हम अगले तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है, दूसरा नंबर देखें हम, तो अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? तो अधात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे अब अम्लीय होते हैं। उसके बाद हम देखें तो मनुष्य में
जनन होता है तो मनुष्य में जनन होता है लैंगिक किस्म का जनन होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न हम देखेंगे तो वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे एक से कम, एक से कम लिखना होगा इसका उत्तर आपको, एक से कम होता है। फिर विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होगा वोल्ट, वोल्ट एसआई मात्रक है विद्युत विभव का। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, तो इस वाले रिक्त स्थान में आप लिखेंगे प्रति छेद, प्रतिच्छेद नहीं करती। अगला प्रश्न है हमारा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण रिक्त स्थान प्रतिशत होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10%, 10% ही स्थानांतरण होता है ऊर्जा का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम लिखिए। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है उसमें होता है पहला नंबर पे लवण और दूसरा होता है पानी या जल, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, पारा धातु, पारा इसका सही आंसर होगा मरकरी HG। अगला प्रश्न है हमारा वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो इसका होगा हमारा सही आंसर लाइपेज उत्तर होगा इसका, जठर लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वसा के बाद में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे शरीर में इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो हमें मधुमेह रोग हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा नंबर का, पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, तो ये क्रिया कहलाती है परागण, परागण कहलाती है क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र में आप लिखेंगे 1/F = 1/V + 1/U, ये हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट है विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए, तो दोस्त बच्चों ये ओम के नियम का ही यहाँ पर बताया है, तो V = होता है IR, यानी R = V/I, ये इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों अगले जो पांचवा नंबर का प्रश्न है वो संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, तो इसका उत्तर हम आइए देखते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण सहित उत्तर है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, इसके उदाहरण आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है अथवा में अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। दो नंबर के जो प्रश्न होंगे वो होंगे आपके 12 प्रश्न जो दो नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसका आंसर आपको ये लिखना होगा संयोजन के बाद में वियोजन अभिक्रिया, इसकी विपरीत अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित होकर नए यौगिक बनाता है। छठा प्रश्न है भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये आपको, तो भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ही ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, तो आपको यहाँ पर उदाहरण भी इसका दिखाई दे रहा है। इसके अथवा में जो प्रश्न है निस्तापन किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं निस्तापन की परिभाषा को, कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ही ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां, समावयवता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। सबसे अच्छी बात है इसमें उसके अथवा में उसी प्रकार का प्रश्न, संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, यानी ये समावयवता का एक प्रकार है, तो पहले हम समावयवता किसे कहते हैं ये हम उत्तर देखते हैं। तो बच्चों समावयवता यानी जब एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो ये कार्बनिक यौगिक समावयवी यौगिक होते हैं, इनको समावयवता का गुण कहा जाता है। आइए देखते हैं अथवा में संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो तो उन्हें संरचनात्मक समावयवी कहते हैं।
तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। तो आइए बच्चों दोनों को हम समझते हैं, ये परिभाषा इसकी देखते हैं हम, ये रहे इसके आंसर। स्वपोषी पोषण, जब हरे पौधे अपना भोजन क्लोरोफिल सूर्यप्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल के साथ बना लेते हैं तो ये उनका स्वपोषी पोषण होता है, और विषमपोषी पोषण जो होता है वो जैव अपने आप भोजन नहीं बनाता, किसी और पर निर्भर होकर भोजन को ग्रहण करता है, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके अथवा में देखते हैं हम तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है तथा इनके उत्पाद क्या क्या है। इसका अथवा का जो उत्तर है वो होगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती है वो यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं, क्वेश्चन नंबर 9, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, और अथवा में इसका विपरीत पूछ लिया है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आइए इन दोनों के उत्तरों को हम देखते हैं, पहले देखते हैं हम लैंगिक जनन को। तो बच्चों लैंगिक जनन की जो परिभाषा यहाँ पे आपको दिख रही है, जिसमें दो जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और युग्मक बनते हैं, तो आप इसे यहाँ पर इस जगह से इसे नोट कर सकते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन की बात करें तो इस प्रकार की प्रजनन विधि छोटे सूक्ष्म जीवों में और निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, जिसका उत्तर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो प्रश्न नंबर 10 है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया, कोई दो कारण लिखिए। तो आइए देखें इसको उत्तर को, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मेंडल ने अपने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया था प्रयोग के लिए, तो ये 5 कारण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें जरूर नोट करें। हमें है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम समझाइए, तो देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर हम, ये रहा मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अनुसार एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से प्रभावित नहीं होती, और एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, और इसे द्विशंकर संकरण द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखें इसको हम, तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया है हमें +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस है, तो हम यहाँ पर पहले लेंस फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, लेंस की क्षमता जो दी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर उत्तर आएगा 0.66 मीटर, क्योंकि मीटर में ही मापी जाती है लेंस की क्षमता, तो आप इसे ज़रूर नोट करें। इसके अथवा में है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 यानी -2.0 डायोप्टर है, तो इसका हल ये रहा। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है उसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है और जिसकी क्षमता दी हुई है -2.0 डायोप्टर, तो यहाँ ऋणात्मक है इसलिए लेंस अवतल लेंस होगा, और फोकस दूरी यहाँ पर जब इसको हम हल करेंगे तो -50 यहाँ पर आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, और इसके अथवा में इसका पूछ लिया है प्रकार, निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, जिसमें ये दूसरा प्रकार हमसे पूछ लिया गया है। तो आइए देखें इन दोनों के उत्तर। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम से ये प्रकाश किस वेग से गति करेगा ये निर्धारण किया जाता है, यानी माध्यम बदलते वक्त प्रकाश के वेग में कितना परिवर्तन होता है हम ये पता कर सकते हैं। इसके अथवा में निरपेक्ष अपवर्तनांक का प्रश्न पूछा है, तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर देखा जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में पार्श्व उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है, पार्श्व यानी समांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाता है, तो आइए देखें इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 13 है, उसके हिसाब से हम देखें तो पार्श्वबद्ध या समांतर क्रम में जो जोड़ने से उपकरण की वोल्टता एक समान बनी रहती है, यही फायदा होता है। उस संयोजन से एक मुख्य लाभ यह भी है कि एक परिपथ का स्विच बंद करने से दूसरे परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी क्वेश्चन के अथवा का है, फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है, तो ये देखते हैं इसका उत्तर भी हम। फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है, और ये घरों में और उपकरणों में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। जब सप्लाई में वोल्टता का मान बढ़ जाता है, सुरक्षित सीमा से ज़्यादा हो जाता है, तो फ्यूज तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा भी बढ़ जाती है और वह पिघल जाता है, यानी उसका संवेद जो संबंध होता है वह विच्छेद हो जाता है और परिपथ में करंट बहना बंद हो जाता है, इसलिए हमारे आगे के विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर दिक्सूचक की जो सुई होती है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है,
तो ये रहा उसका उत्तर। विक्षेपण का जो मुख्य कारण है कि चुंबक की दिक्सूची के समीप जब उसे लाया जाता है, दिक्सूची सुई विक्षेपित हो जाती है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दिक्सूची के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर बराबर और विपरीत बल लगाता है, ये दोनों मिलकर युगल बंध बनता है बना देते हैं और दिक्सूची की सुई विक्षेपित हो जाती है। इसके अथवा में हम देख रहे हैं दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये हमारे रिक्त स्थान में भी प्रश्न आया है। तो दो चुंबकीय रेखाएँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है इसका उत्तर। अथवा का जो प्रश्न है उसके हिसाब से हम देखें कि परस्पर जो रेखाएं होती चुंबकीय क्षेत्र की वो प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, तो हम उसको सीधा सा बता सकते हैं कि यदि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होगी जो संभव नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करते। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 15 नंबर, दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए जहाँ से हम दिष्ट धारा प्राप्त कर सकते हैं। इसका उत्तर सिंपल सा है, सेल, बैटरी और डीसी जनित्र। 15 नंबर के जो प्रश्न का अथवा है, ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर उपयोग की जाती है, तो ये रहे उसके उपयोग वाले साधन युक्तियों के नाम। ऐसी युक्तियां हैं मोटर के लिए कार्य में प्रयुक्त हो सकने वाली उद्योगों की मशीनें, खेती के उपकरण और पंखे आदि। प्रश्न नंबर 16, ओजोन परत क्या है, यह किस प्रकार अपक्षयित हो रही है, यानी ये इसका क्षरण कैसे हो रहा है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसमान में होती है और इसकी सांद्रता वहाँ ज़्यादा होती है, ये बड़ी काम की चीज़ है। और इसके अपक्षयित होने का सबसे मुख्य कारण है CFC का ज़्यादा उत्पादन होना, तो ये जितनी ज़्यादा अच्छी कंट्रोल रहेगी CFC, ओजोन परत को नुकसान कम होगा और ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती भी है। इसके अथवा में है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। अम्ल वर्षा वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड व अन्य गैसें वर्षा के जल के साथ जब क्रिया करती है अम्ल बना लेती है और पृथ्वी पर बरसती है वर्षा के साथ में, उसे कहते हैं हम अम्ल वर्षा। प्रश्न नंबर 17 नंबर है हमारा, जो अब 3 नंबर का हो जाएगा। ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। पहला है उपचयन और दूसरा है अपचयन, तो आइए इनके उत्तर देखते हैं हम। जो उपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन की जुड़ना की क्रिया होती है और अपचयन में ऑक्सीजन के निकलने की क्रिया होती है, ये दो आप समीकरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं। इसके अथवा में है निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास वायु, आर्द्रता और अम्ल की उपस्थिति के कारण क्षरित होती है उसे हम संक्षारण कहते हैं। अगला जो बिंदु है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, जब वसायुक्त या तेलयुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले रहते हैं तो वो तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री की गंध और स्वाद बदल जाते हैं और ये होता है उनके उपचयन यानी ऑक्सीकरण के कारण, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का रहेगा 18वां, तंत्रिका कोशिका का नामांकित की चित्र बनाइए। तो बच्चों ये तंत्रिका तंत्र का चित्र है, इसे आप प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। और इसके अथवा में ही चित्र पूछा है मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र, और ये है मानव मस्तिष्क जिसे आप स्क्रीनशॉट लेकर बनाने के प्रयास जरूर करें। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 19 से मानव नेत्र का नामांकित चित्र, जिसका चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, नेत्र, इसकी प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। अथवा में है क्या होता है जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है, चित्र द्वारा समझाइए, यानी ये वर्ण विक्षेपण का ही प्रश्न है, उसकी घटना को यहाँ पर आपको प्रिज्म से बताना होगा। प्रकाश किरण यानी श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, उनके क्रम को वर्णक्रम कहते हैं, जिसका डायग्राम ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20वां है, जो 4 नंबर का हो जाएगा, निम्न पदार्थों की लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होती है। तो हम देखते हैं कि HCl गैस शुष्क अवस्था में है तो कोई क्रिया नहीं करती है, नम या आर्द्र अमोनियम गैस लाल से नीले हो जाती है क्योंकि ये नम होती है, लेमन जूस यानी नींबू का रस नीले को लाल कर देता है, दही नीले को लाल कर देता है और साबुन का घोल लाल को नीला कर देता है जो लिटमस पेपर पर दिखाई देता है। इसके अथवा में है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं। प्रबल अम्ल वो होता है जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर H+ आयन देता है और दुर्बल वो होता है जो आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। निम्न में से प्रबल और दुर्बल को छाटिए, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, HCl प्रबल अम्ल में आता है, साइट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल आता है, इस तरह से सभी को आप यहाँ पर चेक कर। प्रश्न नंबर 21 है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए।
तो ये हाइड्रोकार्बन के प्रथम चार सदस्य हैं एल्केन श्रेणी के, आप इसको देखकर चित्र जरूर बनाएं। बाद अथवा में दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण से समझाइए, जिसमें चार प्रकार की अभिक्रियाएं पूछी हैं, तो इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर, तो प्रश्नानुसार साबुनीकरण की अभिक्रिया और यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीकरण, और यहाँ पर चौथी है विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो इन्हें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नंबर 22 से जाइलम और फ्लोएम में चार अंतर लिखना है, और इसके अथवा में भी अंतर है रक्त व लसिका में अंतर, तो इन दोनों के उत्तर भी हम देखते हैं। तो अंतिम प्रश्न में दो अंतर है, जाइलम का और फ्लोएम का, और रक्त और लसिका का, जिससे आप यहाँ से अच्छी तरह से नोट कर कॉपी में उतार कर याद कर सकते हैं। तो ये थे अभ्यास प्रश्न पत्र सेट बी के उत्तर हल सहित।